हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सी जी बी एस सी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो प्री बी ए प्रवेश परीक्षा है जो हमारे 17 तारीख को होने वाला है, लगभग 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों को आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज लगता है आपका शिक्षक अभिरुचि, जिसमें हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 30 में कम से कम हम लोग 28 से 29 क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम इजी रहता है। बस आपको समझना रहता है कि आपको किस टाइप के उन क्वेश्चनों को समझ के आंसर लगाना है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कहीं थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अपने सेंस का, दिमाग का यूज़ करके बहुत पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव आंसर लेना रहता है। तो चलिएगा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे आप लोग को हर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल जानकारी बताते जाऊँगा कि आपको सोचना कैसे है, आंसर कैसे लेना है, कैसे ले रहे हैं। तो चलिएगा तैयार हो जाइएगा, ठीक है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। जिनको बीएड प्रवेश परीक्षा भी दिलाना है वो स्पेशली इस चीज़ को पूरा अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसको ऑन कर लीजिए, वहाँ आप लोग आंसर भी दे भी सकते हैं, ठीक है। चलेगा, देखते हैं फिर। चलेगा, पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी विद्यार्थी के मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो अब आपको सोचना है जो हम लोग का मूल्यांकन होता है या स्कूल में आपका मूल्यांकन किया गया है वो किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन करना, विद्यार्थी की उपलब्धि या योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन करना, विद्यार्थी की उपलब्धि एवं योग्यताओं का निर्धारण करना, ठीक है। देखिए निर्धारण करना नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव चैट में नीचे बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो ए बोल रहे हैं कोई, बी बोल रहे हैं, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बनते जाएंगे। जो मूल्यांकन करते हैं हम लोग पर्टिकुलर कोई मात्रात्मक के लिए नहीं करते, गुणात्मक के लिए नहीं करते, बल्कि हम लोग दोनों को देखते हैं। हम लोग किसी विद्यार्थी की जो उपलब्धि का मात्रात्मक और गुणात्मक इन दोनों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में दोनों नहीं दिया है। अलग से पर्टिकुलर हम लोग एक का नहीं देखते, हम लोग मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अध्ययन का भी वर्णन करते हैं और निर्धारण नहीं करते, उनकी योग्यताओं का निर्धारण नहीं करते। ये चीज़ को निगेटिव में लिया जाता है, उपलब्धि और योग्यता का निर्धारण नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। बस आपका जो आप जो विधि से पढ़ाए हैं क्या वो सफल हुआ, बच्चा उसको सीख पाया कि नहीं, इसका चेक करना रहता है। तो उसको हम लोग मात्रात्मक गुणात्मक इन दोनों आधार पर करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, सब क्लियर होते जाएगा आप लोग का, जितने भी डाउट होंगे कैसे आंसर देना रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस विधि में पहले उदाहरण देकर नए नियम और सिद्धांत को विकसित किया जाता है? तो आप लोग को सभी को पता होगा कि अगर आप जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं 2+2=2, ठीक है, 2+4=2, 2+2 रोलो, फिर 2-2 जोड़ते जाओ, 2+2+4, ठीक है, फिर इस 4 को इधर लिखो 4+2। तो ऐसे करके जब आप उसको बताते जाते हो तो ये आप लास्ट में बताओगे सब में अगर 2-2 जोड़ते जाते तो ये बनते जाता है आपका 2 का टेबल। ऐसे करके आप किस चीज़ को एग्जांपल से समझाते जाते हो, धीरे धीरे पहले कुछ एग्जांपल बता दे, फिर लास्ट बता, देखो ऐसे में आया ना, तो सब में ऐसे ऐसे किए तो ये आया। तो ये क्या कहलाता है? आपका आगमन विधि कहलाता है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या क्या शब्द यूज़ होता है? अज्ञात से, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। देखिए बच्चों का आप उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण तो बच्चों को पता है कि जो उसके जो रियल लाइफ में जुड़ा हुआ है वस्तु है या कोई ठोस रूप से वस्तु, उससे थ्रू आप उदाहरण दे रहे हो तो ज्ञात चीज़ हो गया। लेकिन लास्ट में आप फार्मूला बता दे तो देखो ऐसे ऐसे किए तो यह ना, अब ये फार्मूला हो गया करके, तो वो अज्ञात हो जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या याद रखिएगा आप लोग? तो एक पहला तो यही याद रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा आपको याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और जब निगमन विधि में आएंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। निगमन में क्या होता है, हम लोग पहले सूत्र बता देते हैं फिर बच्चा उस सूत्र में मान रखने लगता है। तो देखिए सूत्र जो बता रहे हैं वो तो डायरेक्ट नियम है, तो नियम से उदाहरण क्यों जाते हैं? फिर नियम बता दिए फिर उसमें बहुत सारे मान रख के नियम उदाहरण देते जाते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल बता दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो अब इसमें आधार का मान रखते हैं 2 रखे, फिर इसमें 3 रखे तो 2 कट गया, ये आ गया 3 आ गया, ये उदाहरण देते गए ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा निगमन विधि हो जाता है। इसमें और क्या दूसरा यूज़ होता है कि अज्ञात से ज्ञात क्यों हो जाते हैं? देखिए सूत्र आपको बता दिए तो सूत्र क्या होता है? ज्ञात होता है, बच्चों को नहीं पता होता, फिर ज्ञात क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो अज्ञात से ज्ञात क्यों हो जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आगमन विधि। चलिएगा दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? विकास में परिवर्तन करना,
नया कार्य करना, विकास की प्रक्रिया या समायोजन। चलिए अपना दिमाग लगाइए, सीखने का सबसे अच्छा आप बताना है। देखिए ऑप्शन तो चारों सही हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आपको देना रहता है, जिसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से रखिएगा, कई बार घुमा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, व्यवहार में ही परिवर्तन को सीखना बोलते हैं। आप कुछ भी चीज़ सीखते हो, आपके व्यवहार में उस चीज़ से वो लेकर परिवर्तन आ जाता है ना। चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य देने से पहले शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? उसे केवल अपने विषय को ही ध्यान में रखना चाहिए, उसे विद्यार्थी के रुचि में ध्यान नहीं रखना चाहिए। देखिए नहीं चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा, गोला घेर लीजिए, गलती करते हैं। ऐसा गृह कार्य होना चाहिए जो बच्चों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करे, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए तो क्या होना चाहिए टीचर में, क्या चीज़ को ध्यान रखे वो टीचर पढ़ाना चाहिए। आप लोग भी टीचर बनने जाओगे, क्या चीज़ को ध्यान रखोगे इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐसा गृह कार्य होना चाहिए जो बच्चों को स्व अध्ययन मतलब आप सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करें, ठीक है। एक ही केवल विषय को ध्यान नहीं रखना चाहिए, कट हो गया। रुचि को ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल बच्चे की रुचि को ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए, TLM का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से? तो चलिए बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करें, कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाले होते हैं जो आप पढ़े रहेंगे तो पता चलेगा, बाकी आप लोग इसको आप अपने दिमाग से भी लगा सकते हो। देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन लेकिन आप नहीं पढ़े तो भी आप लगा सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए आप इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है। शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? प्राथमिक शिक्षा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक प्रोग्राम लेके आए थे, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, चलेगा पढ़े होंगे तो इसका डेट वेट भी आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यदि आपके अभिभावक नहीं चाहते कि आप शिक्षक बने तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने मिलते हैं, एक तो इससे दो क्वेश्चन जिसमें आपको अपनी सोच को बताना रहता है। अब ये आपके सोच डिपेंड करता है कि व्यापम के सोच से मिल रहा है कि नहीं, तभी आपका आंसर सही होगा। तो ऐसा आंसर लीजिएगा जो हर जगह लागू हो। यदि आपके अभिभावक नहीं चाहते कि आप शिक्षक बने तो आप क्या करेंगे? उनकी पसंद की कोई दूसरी नौकरी करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, शिक्षक बनने के पक्ष में तर्क रखकर उन्हें मनाएंगे, शिक्षक बनने का विचार त्याग देंगे, तो क्या करेंगे? आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए, बिल्कुल आपको पीछे नहीं हटना है। आप क्या करेंगे? शिक्षक बनने के पक्ष में तर्क रखकर आप उन्हें मनाएंगे कि नहीं मम्मी नहीं पापा, टीचर बनने में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल अभी है कोई टीचर है, ठीक है, क्योंकि वो भविष्य की कई पीढ़ियों का निर्माण करता है। वही टीचर के पढ़ाए हुए लोग आज IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, ठीक है। तो सबसे वैल्यूबल अभी कौन सा है? तो टीचर है और एक डॉक्टर की, दो चीज़ को भी सबसे समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यदि प्राचार्य से आपको कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे? अगर आप स्कूल में टीचर हैं तब की बात करें ना, ना कि बच्चा, आप स्कूल में टीचर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके प्राचार्य से कुछ आपको शिकायत है या कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे? सीधे प्राचार्य से बात करेंगे, जैसे को तैसा सिद्धांत के अनुसार चलाएंगे, अपने सहकर्मियों से शिकायत करेंगे या उच्च अधिकारियों से प्राचार्य की शिकायत करेंगे? चलेगा दिमाग लगा बताइएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना रहता है तो आपको क्या करना ये बताना है। डायरेक्ट आप उच्च अधिकारी की बात चलेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले आप उनसे बात कीजिए, बात करने के बाद आपकी समस्या सुलझ जाती तो ठीक, नहीं होता फिर आप ये अगला जा सकते हैं, उच्च अधिकारियों से प्राचार्य की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को हर जगह आपको सीधे पहले जो भी इससे समस्या एक बार बात कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर क्या होता है समस्या समाधान हो जाए तो, वो भी कुछ कन्फ्यूजन में चल रहे हो तो, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण को होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए या बी और सी, वैध और विश्वसनीय होना चाहिए? तो क्या इसका सही आंसर है जल्दी से बता दीजिए। एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण स्टैंडर्ड जो पेपर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चनों को थ्रू हम लोग समझ आए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्या है, इसका लगातार भी आपको प्रैक्टिस से ये मिलेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट हम लोग एक एक इसी प्रकार समझेंगे, क्वेश्चन आ कैसे रहा, आंसर कैसे देना रहता है। ये क्वेश्चन आप होगा तो आप पुराने क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट आप ये समझें कि क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका आंसर कैसे सोचना रहता है। तो चलिए बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी। देखिए अगर आपको नहीं पता भी रहता ना तो ऐसे दो ऑप्शन दिया तो आपको तुक्का मारना है, तो पहले प्राथमिकता इनको दीजिएगा, इनको पढ़ के समझिएगा, दोनों जनरली आता ही आता है। तो देखिए मानकी की उपलब्धि परीक्षा में क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, सरल तो होना ये इंपॉर्टेंट है, आप तो उसको इस तरह के लेवल के अनुसार देंगे, सरल और कठिन से मतलब नहीं है, इजी तो मॉडरेट तो रहना ही रहता है। बाकी आप वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे वस्तुनिष्ठ पेपर होता है वो वैध या विश्वसनीय रहता है क्योंकि सभी बच्चों को समान अंक मिलेगा, अगर आप बनाएं तो एक नंबर मिलेगा, नहीं बनाए तो नहीं मिलेगा। और जो लघु उत्तरी प्रश्न रहता है, निबंधात्मक प्रश्न, उसमें क्या रहता है, टीचर के ऊपर रहता है जो चेक करने वाला। जैसे मेंस में भी विवाद चल रहा था, सेम की कोई लिखा है उसको 3 नंबर दे दिए हैं पेपर में, और सेम चीज़ कोई लिखा है उसको 1.5 नंबर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, वैलिड नहीं हो पाता, विश्वसनीय नहीं हो पाता। इसीलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा लिया जाता है। चलिए 59 देखते हैं, एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, मतलब अलग अलग राज्य अपने अनुसार क्यों नहीं रख सकता, क्यों राष्ट्रीय लेवल पे एक ही पाठ्यक्रम चला जाए, CBSE चलाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की नीति पर नियंत्रण रखना, सार्वभौमिक शिक्षा स्तर को प्राप्त करना, शिक्षा प्रणाली की बुराइयों को नियंत्रित करना। तो क्यों एक पूरे देश में एक पाठ्यक्रम चलता है, ठीक है, राज्य का भी पार्ट रहता है जो राज्य स्तर इसको रहता है, लेकिन उसमें नियंत्रण राज्य का रहता है ना, वो देखते रहते हैं कि राज्य कोई ऐसा नियामक बना दे जो अपने राज्य के बेनिफिट के लिए, बच्चों को पता चले एकदम सरल दे दिए ताकि हमारे बच्चे 99% आए, 90% 100% आए और जाके देश से कोई जॉब ले ले करके, ऐसा कुछ गलत भी मत करके एकदम सख्त रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा राज्यों के शिक्षा नीति पर नियंत्रण रखना, ये नहीं आता ना आंसर, नियंत्रण रखना उसका उद्देश्य नहीं है, तो उसका उद्देश्य जाएंगे तो यह रहता है सार्वभौमिक शिक्षा स्तर की को प्राप्त करना, मतलब पूरे राज्य में शिक्षक स्तर एक बराबर हो, ना किसी जैसे राज्य में कोई सरल कर दिया एकदम तो उसका लेवल तो गिर जाएगा बच्चा फिर, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी लेना है ना, सार्वभौमिक शिक्षा स्तर को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अंतिम तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, अंकन कार्य, जो स्कूल में कंप्यूटर है तो उसके बारे में बताना आपको क्या काम करते हैं उसमें, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, प्रदत्तों का विश्लेषण या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, देखिए कंप्यूटर को घुसा दिया है CDP में, ठीक है, तीसरा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी काम करते हैं हम लोग, अंकन काम भी करते हैं, बच्चा कोई टेस्ट होता है रिजल्ट होता है उसको उसमें जो प्राप्तांक है उसको फीड करते हैं, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं, कितना रैंक आया, रिजल्ट आया, सब जारी होता है ना स्कूल में, वो भी काम होता है, प्रदत्तों का विश्लेषण भी होता है, ये सभी कार्य होता है, याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पर, जितने लोग भी नए देख रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार आपको क्लासेस मिलेगी ना, BEd वाले जितने लोग भी होंगे लगातार आपको पूरे आज से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, कैसे काउंसलिंग कराना है, पेपर के बाद आपको क्या करना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, किन किन कॉलेजों को सेलेक्ट करना है, कितना फीस रहता है, हर जानकारी आपको अपडेटेड समय के साथ जो नए इस वर्ग के लिए लागू होगा वो सारी चीज़ें आपको यहां मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा आप डेडिकेटेड अभी BEd प्रवेश परीक्षा के लिए तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, जनतंत्री शिक्षण में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, विविधतापूर्ण होना चाहिए या उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो बताना है आपको जनतांत्रिक शिक्षण में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जनतांत्रिक समझना चाहिए कि जनतांत्रिक मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें लोगों का हिस्सा हो, आपको जनतांत्रिक देश है, लोग यहाँ वोटिंग करते हैं, लोगों का वैल्यू है, लोगों की सरकार बनाते हैं, तो उसी प्रकार जनतांत्रिक शिक्षण में क्या होता है आपको बताना है कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उसमें लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा एकदम कठोर भी नहीं होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए हमारा सिलेबस, विविधताओं से भरे होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा में हर एक मोहल्ले में भी जाओगे तो कभी कभी विविधताएं पाई जाती है, ठीक है, तो हमारा देश विविधताओं में का देश है तो विविधतापूर्ण वातावरण होना चाहिए ताकि सब बच्चों को पढ़ने का समान अवसर मिले, उनको समझ में आए, उनकी भाषाओं को ध्यान में रखा जाए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा शिक्षक बनने पर आप क्या करेंगे, दूसरों से अधिक स्वयं को गरिमामय मानेंगे, गरिमामय मानेंगे, छात्रों का अनुशासन में रखेंगे, आदरणीय महसूस करेंगे, दूसरों की उपेक्षा करेंगे, तो आपको बताना है शिक्षक बनने पर आप क्या करेंगे। चलिए बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, आपको जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका, बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से अधिक, देखिए अरे चलिए पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ क्या सोच के आप लोग इसका आंसर बताते हैं, नीचे एक कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर बताइए, पहले लाइव चैट में आप लोग आंसर दे रहे होंगे तो लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए।
सोच के बताइए, देखिए कि इसका आंसर किसी को गलत लग सकता है, लेकिन हम लोग इसको पहले निगेटिव टर्म से जाएंगे। देखिए, दूसरों की उपेक्षा करेंगे तो नहीं भैया, उपेक्षा तो करना नहीं है हमको, हम टीचर बनने वाले कैसे उपेक्षा करेंगे। आदरणीय महसूस करेंगे, नहीं ये भी नहीं करना आदरणीय, हम ये नहीं कि हमारा आगे पास हुआ हम एकदम आदरणीय हैं। छात्रों का अनुशासन में रखें, नहीं बच्चों टीचर का कोई भी कर्तव्य नहीं का अनुशासन शब्द निगेटिव याद रखिएगा। शैक्षिक अभिरुचि में अनुशासन शब्द निगेटिव वर्ड मारे, निगेटिव वर्ड है मतलब वो ऑप्शन आगे ही नहीं आएगा। अनुशासन में बच्चों को रखना आपका उद्देश्य नहीं है, आप उनको सिखाना उद्देश्य है। तो दूसरों से अधिक स्वयं को गरिमामय मानेंगे, बिल्कुल सही जवाब। आप खुद को गरिमा होगा कि आत्मविश्वास बढ़े कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा वर्क है मेरा कि मैं लोगों का भविष्य बना रहा हूँ। यहीं से मेरे से ही IAS निकलेगा, एक अधिकारी, एक इंजीनियर निकलेगा, एक डॉक्टर निकलेगा, ये गरिमामय आपको मानेंगे अपने आप को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से इसको पढ़ना रहता है, समझना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विद्यालय में निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों की कमियों का पता लगाना, जो आते हैं ना आप लोग जैसे पढ़ाते रहेंगे तो बड़े बड़े अधिकारी लोग आएंगे, कलेक्टर आएंगे, आपका जिला शिक्षा अधिकारी आएंगे, आपके समन्वयक रहेंगे वो आएंगे, तो क्या करने आते हैं? शिक्षकों की कमी निकालने, अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने, या विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन लाने, या उपरोक्त सभी करने, तो क्या करने आता है ये बताना है आपको, ठीक है। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए उपरोक्त सभी। आपको शिक्षक की कमियों का भी पता लगाना रहता है और अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करना रहता है और विद्यालय में सुधारात्मक जो सुधारात्मक परिवर्तन भी लाना रहता है। तो जो निरीक्षण करने आते हैं उनको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उत्तम पठन से विकसित होता है, क्या होता है आपको बताना है, जो उत्तम पठन करना है आपको एकदम अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या विकसित होता है? आप ध्यान से अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझ विकसित होता है, उच्चारण विकसित होता है, संवेदना विकसित होता है, या तथ्यों को याद करने में मदद मिलता है, या याद ज्ञान बढ़ता है तथ्यों को पढ़ने से। तो ये आपको दिमाग लगा बताना है कि उत्तम पठन से आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, अभी आप BEd का तैयारी कर रहे हो, तो आप किस टाइप से पढ़ रहे हो? समझ विकसित कर रहे हो कि उच्चारण पढ़ रहे हो कि कैसे कर रहे हो, बताइएगा। तो जो उत्तम पठन सबसे अच्छा पठन किसको माना जाता है? तो उसी को माना जिससे समझ विकसित हो, ठीक है। तो बच्चों को आप पढ़ाओगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको उसको उच्चारण के लिए नहीं पढ़ाना है, आपको उनको रटाना नहीं है, आपको उनमें समझ विकसित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट वाला है, ध्यान रखिएगा। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसने की थी, मतलब कौन से जो की थी उसके थ्रू आया था, जो शिक्षा नीति के थ्रू, ये बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपरोक्त सभी। तो किसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी? देखिए, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि 79 में कोई शिक्षा नीति आई नहीं थी, आपके 68 में थी, 1986 में थी, और 2020 में ही है अभी, ठीक है। तो बताइए नवोदय विद्यालय की, तो स्वाभाविक सी बात है इससे जस्ट पहले वाले में आया होगा, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बना सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, याद रखिएगा, उसमें नवोदय विद्यालय की बात की गई थी, उसकी स्थापना की बात की गई थी, उससे संबंधित जितना भी दिशा निर्देश थे वो सारे आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिए हुए थे ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अभी आप लोग नई शिक्षा नीति 2020 को जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार, ठीक है। यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा नई शिक्षा नीति 2020, तो इस पर एक नज़र देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, शिक्षा नीति से बनना जरूरी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर देखिएगा। वह शिक्षा जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षकों को एक ही छात्र समूह को सिखाने का उत्तरदायित्व तो दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा एक क्लास का बच्चा, तो दो टीचर को एक साथ भेज देते हैं, आप जाइए दोनों पढ़ाइए, तो क्यों दल शिक्षण, उसको क्या बोलते हैं, एक साथ जैसे दो टीचर पढ़ाते हैं, दल शिक्षण बोलते हैं, अभिक्रमिक अधिग्रहण बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, या यथावत शिक्षण बोलते हैं, या सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बताइए। एक क्लास है, जैसे क्लास थर्ड है, अब वहाँ दो टीचर को भेज दिए कि आप दोनों जाइए और बच्चों को पढ़ाइए, तो ऐसे शिक्षण को क्या नाम दिया जाता है ये बताना है आपको, तो उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखे तीस लगभग एक क्लास में 30 बच्चे रहते हैं, तो जैसे 30 बच्चे, तो अब उसको सूक्ष्म निरीक्षण करने, एक टीचर तो नहीं कर सकता सबको, तो बीच बीच में ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि आपको सूक्ष्म तरीके से शिक्षा देना है, तो दो तीन टीचरों को एक साथ भेज देते हैं। अब ध्यान दीजिए कौन बच्चा कमज़ोर है, किसमें ध्यान नहीं दे रहा है, क्या कमी है उनको देखने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें सुधारात्मक उपचारात्मक शिक्षण कर सकते। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमेडियल टीचिंग भी बोलते हैं उसको। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक शिक्षक को यह समझना होगा, क्या समझना होगा, कि बाएं गतिविधियां लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यक है, लड़कियां लड़कों से अधिक गृह कार्य में आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम होते हैं, शिक्षा लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यक है। तो देखिए, इसमें निगेटिव पॉइंट को हमको छोड़ते जाना है,
यानी कहीं भी लड़का लड़की वाली बात नहीं रहता। शिक्षक में ये चीज़ ध्यान रखें, किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय लैंगिक बोलते हैं उसको, लैंगिक भेदभाव आपको नहीं करना रहता है, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपेयर ही नहीं करना रहता हमको लड़की लड़कियों के बारे में, योग्यता के बारे में। तो देखिए पहला ऑप्शन ही क्या बोल रहा है, बाह्य गतिविधियाँ लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यकता थी, ये गलत हो गया, कंपेयर नहीं करना। दूसरा क्या बोल रहा है, लड़कियाँ लड़कों से गृह कार्य में आगे होती थी, ये भी कंपेयर नहीं करना है हमको। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, शिक्षा लड़कों की लड़कियों से अधिक आवश्यकता है, अधिक वाला शब्द लाना ही नहीं है, तो हमको ये ऑप्शन सही रहा है। देखिए लड़कियां लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम होते हैं, बराबरी का हक दे रहे हैं हम लोग, तो जो लड़कियां वो भी लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 68। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, अभी आपके बीएड एडमिशन से लेकर पूरे कॉलेज के जर्नी तक आपका साथ देंगे हम लोग, पूरा हर अपडेट आपको इसमें मिलेगा। चलेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए या उदासीन होना चाहिए। तो आपको बताना है एक टीचर और एक बच्चे के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा मित्रवत संबंध होना चाहिए। याद रखिए एक टीचर एक विद्यार्थी का मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी भी उनसे मित्र जैसे जुड़ पाए, अपनी समस्याओं को रख पाए, जो भी उनसे सीखने में दिक्कत आ रहा उनको बोल पाए। तो आपको हमेशा याद रखना है मित्रवत जैसा व्यवहार रखना है अपने बच्चों के साथ, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पहुंच चुके हैं। चलिएगा देखिए ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। किसने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा में सर्वोच्चम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। तो देखिए किसने कहा, ये शिक्षा की परिभाषा किसने दी ये बताना है, क्या बोल रहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय, वो बता रहा है शिक्षा मेरा अभिप्राय क्या है, बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा की सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है, ये किसने बोला ये याद रखना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये अच्छे से याद करिए, महात्मा गांधी जी ने ये शब्द बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क आत्मा की सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनते हैं, आगे अगर हमको समय मिलता है तो ये वाले क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जितने आपके इंपॉर्टेंट परिभाषाएं उसको लेके जरूर आएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, शिक्षक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें यह शामिल नहीं होते, कौन नहीं होता त्रिआयामी, देखिए त्रिआयामी मतलब ये होता है ना, ठीक है, ये ट्रायंगल में तीन पक्षों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें कौन इंपॉर्टेंट नहीं होता, छात्र, शिक्षक, वातावरण, वाचनालय, कौन शामिल नहीं होता बोला है। तो देखिए हमारा जो त्रिआयामी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले होता है एक छात्र, फिर एक टीचर होता है और एक वातावरण होता है, इन तीनों से मिलके ही हमारा शिक्षण प्रक्रिया पूरा होता है, इसमें वाचनालय नहीं आता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे छात्र, शिक्षक और वातावरण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, दृश्य सभ्य सामग्री प्राय बढ़ा देती है, आपको देखिए एक ही क्वेश्चन से एनालिसिस करना, इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो दृश्य सभ्य सामग्री प्राय बढ़ा देती है विद्यार्थियों की धारणाओं को, विद्यार्थियों की अवधान अटेंशन को, मतलब बच्चा ध्यान देने लग जाता है, अवधान मतलब अटेंशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, ध्यान देना, बच्चा ध्यान देने लगता है, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के पहचान में उपरोक्त सभी में। तो आपको बताना है जो सभ्य दृश्य सामग्री होता है जिसको हम लोग TLM यूज़ करते हैं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो भी सामग्री यूज़ करते हैं उसमें जो सभ्य दृश्य सामग्री वो क्या होता है, आप उसको सुन भी पाएंगे देख भी पाएंगे, जैसे क्या होता है टीवी होता है ना, आप उसको देखते भी हो सुनते भी हो, लेकिन जैसे रेडियो हो गया, रेडियो किस में आता है तो केवल आपका सभ्य ध्वनि में आता है, तो इसमें क्या करता है 71 बताइए। तो ये देखिए इसमें से क्या आ जाएगा, देखिए अवधान उत्पन्न करता है ये तो आता ही नहीं, ठीक है, अवधान मतलब उसमें रोक लगता है क्या, तो रोक तो लाता नहीं, तो ये कट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। अब बच गया आपका दो चीज़, विद्यार्थियों की धारणा और विद्यार्थियों का विषय वस्तु की पहचान, तो क्या आएगा बताइए जल्दी बता दीजिए। देखिए अवधान मतलब अटेंशन वाला अवधान है ना, व्यवधान नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको, मिस्टेक मत कीजिएगा जैसे मैं अभी कर दिया, व्यवधान ही अवधान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अवधान में अटेंशन मैं आपको पहले समझाया था कि अवधान में अटेंशन ध्यान देना, तो बच्चा ध्यान देता है, अगर आप सब जिसे माध्यम से पढ़ाओगे बच्चा को रुचि आने लगता है, तो देखो उसकी धारणा भी बदलेगी और धारणा भी अटेंशन भी देगा बच्चा और विषय वस्तु की पहचान भी करेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 72 क्या बोल रहा है, शिक्षण योजना का मूल्यांकन करने में बताइएगा प्रत्येक शिक्षण बिंदु के सामने की जाने वाली गतिविधियां लिखी जाए, शिक्षण व छात्रों की गतिविधियों का अलग अलग उल्लेख हो,
अलग स्तंभों में शिक्षण योग्यता और सहायक सामग्री का उल्लेख हो या उपरोक्त सभी। तो कैसे आपको शिक्षण योजना का मूल्यांकन करना चाहिए, जो बच्चा पढ़ा टीचर जो बनाएगा अपना प्लानिंग जो बनाता है उसको कैसे किस हिसाब से बनाना चाहिए उनको, चलिए बताइएगा इसको। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी बातों का ध्यान रख के उनको अपना शिक्षण योजना बनानी चाहिए, टीचिंग प्लानिंग बनाने चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग भी जब बीएड में जाएंगे ना, तो जब पढ़ाने जाएंगे स्कूल, आपको पूरा टीचिंग प्लानिंग हर दिन का आप बना के जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप स्कूल में क्या करेंगे पहले से घर में डिसाइड करके पूरा बना के जाएंगे, उसी आधार पर आपको वहाँ पढ़ाना रहता है, ये डेली मेंटेन करना पड़ेगा, आपको वहाँ चेक होता है ना, टीचिंग प्लान बना जमा भी करना पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। एक स्नातक, ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक बालिकाओं को शिक्षा देने में रुचि रखता है, उसे निम्न में से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहिए। तो अभी आपको पता ही होगा, अगर आप स्नातक ग्रेजुएशन कर लें तो आपको किस पाठ्यक्रम में लेना चाहिए, बीएड में लेना चाहिए या डीएड में लेना चाहिए या बीएड विशेष शिक्षा में लेना चाहिए या बीटीसी में लेना चाहिए, तो किस में लेना चाहिए। देखिए आप अगर 12वीं पढ़े हैं तो 12वीं पढ़े तो आप डीएलएड में ले सकते हैं एडमिशन, अगर ग्रेजुएशन लिए पढ़े तो आप बीएड में ले, लेकिन बीएड में भी आप ध्यान दीजिए कोशिश ये करना रहता है आपको बीएड विशेष शिक्षा में आपको प्रवेश लेना चाहिए, बीएड विशेष शिक्षा, ठीक है, ये आंसर लेता है व्यापम, याद रखिएगा। आप बीएड मार के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीएड विशेष शिक्षा में लेना पड़ना है, ठीक है, स्पेशल बीएड अलग होता है ना, ध्यान दीजिएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, पाठ्येतर गतिविधि का उपयोग करना, शिक्षण विधियों का एवं प्रविधियों का चयन करना, बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण करना। था आपको बताना है कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, जो अभी आप पढ़ो शैक्षिक अभिरुचि पढ़ो ना, इसका योगदान क्या होगा, आप स्कूल जाओगे तो इसका योगदान ये होगा कि आप पढ़े जा रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बालकों के बारे में जानते रहोगे शुरू से कि बच्चा क्या सोचता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, कितना उसमें योग्यता रहता है, किस प्रकार से उनको पढ़ाएं तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा, आप ये ध्यान दोगे इस बच्चे में क्या कमी है, इस कमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, कौन से अपने टीचिंग मेथड को लगा सकता हूँ, तो आपको बाल केंद्रित शिक्षक को आप चलेंगे, इसका योगदान ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पुराना सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन इस क्वेश्चनों के आधार पर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसका आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से आपको सोचना है। चलिए कर क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास है, इसमें क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, आर्थिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास। आपको बताना है आपको ये चीज़ पहले से ध्यान रखना है, बच्चों में आपको सर्वांगीण विकास करना रहता है, तो उसके अंतर्गत क्या चीज़ आता है और क्या नहीं आता, इसमें पूछा है कौन नहीं आता, 3 चीज़ आता है, 1 नहीं आता, क्या नहीं आता, तो देखिए आप शारीरिक विकास करेंगे बच्चों का, नैतिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे, आर्थिक विकास तो नहीं करेंगे आप उनका, बच्चों को पैसा वैसा तो नहीं देते आप, ठीक है ना, उनको कुछ पैसा मिलता है, तो इस पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विकास इसमें सम्मिलित नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बी एड के आपके प्रवेश पेपर होने के साथ ही साथ आपका काउंसिलिंग, आप घर बैठे काउंसिलिंग कैसे करेंगे, काउंसिलिंग के प्रोसेस क्या है, कितना फीस लगना है, हर चीज़ जानकारी नए अपडेटेड के साथ देंगे इसी चैनल के माध्यम से, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। जैसे पिछले साल भी हम लोग पूरा मदद किए थे, एक एक बच्चे के एडमिशन तक आप कभी कॉल करके कुछ भी जानकारी हमसे ले सकते, इतना सुविधा आपको देते हैं, ठीक है। चलिए 76 क्या बोलता है। एक अच्छा शिक्षक वह है जो कठिन विषय वस्तु को छात्रों के लिए सरल बना दे, विषय पर अच्छी पकड़ हो, समय का पाबंद हो, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, चलिए बता दीजिए इसका आंसर, लाइव चैट में आप लोग आंसर कीजिए नीचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय पर अच्छी पकड़ हो, ठीक है। तो एक अच्छा टीचर होता है जिसको विषय पर भी अच्छी पकड़ हो, तभी तो बच्चों को पढ़ा पाएगा ना, अच्छे समझा पाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये आंसर दिया था व्यापम, लेकिन इसमें सबसे आंसर सही चीज़ क्या आएगा, तो देखिए कठिन विषय वस्तु को छात्रों के लिए सरल बना देना, ठीक है, विषय पर अच्छी पकड़ हो, समय का पाबंद हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि टीचर में ये सभी गुण होने चाहिए। इसका सही आंसर लेंगे आप ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ कुछ चरणों का आंसर आपको बुक में भी गलत दिए रहते हैं, उसको समझिएगा, मैं गलत आंसरों को भी बता रहा हूँ कि बुक में कैसे गलत आंसर दे दिए रहते हैं, वो बी की जगह डी दे दिया रहता है, ठीक है, बच्चे उसको वैसे पढ़ के रट्टा मार के चल रही, इसीलिए आपको ये क्लास देखना जरूरी है ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएँ, आप केवल बुक से पढ़ के जाएंगे तो आप गलती कर देंगे। चलिएगा 77 नंबर क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कैसे उपयोगी है, तो एक तो पहले बाल केंद्रित शिक्षा में मदद करता है, दूसरा बताना है आपको
इसके नियम और सिद्धांत मनुष्यों के लिए उपयोग होते हैं। यह सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है या बालक के व्यवहार को परिवर्तित करने में सहायक है उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी बताइए, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सभी पॉइंट इसके सही हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। छात्रों में अमूर्त चिंतन कैसे लाया जा सकता है। देखिए बच्चों का पहले मूर्त रूप से पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको जो गोटियाँ होती है, कंकड़ पत्थर हो गया या कोई ठोस वस्तु से आप सिखाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब अमूर्त चिंतन उनमें कैसे ला सकते हैं आप बताइए। चलो ऑप्शन देते हैं, उच्च कक्षाओं में छात्र अमूर्त वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, शिक्षक को पहले कक्षा में उद्देश्य स्पष्ट किया जाए, प्रारूप के अनुसार विषय वस्तु को नियोजित रूप में लाया जाए या उपरोक्त सभी। चलिए बताइएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका ऑप्शन हमको समझ में नहीं आता, अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो बिंदास आप लोग इसको मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं तुक्का लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो जनरली आपका 90% आंसर अगर उपरोक्त सभी है, शैक्षिक योग्यता की बात करो ना केवल इसी सब्जेक्ट में, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर आता है, ठीक है। इसका टुक्का भी लगाना है तो आपको ध्यान दीजिएगा, छोड़ना नहीं ऐसे क्वेश्चनों को, ऑप्शन नंबर डी लगा के आ जाइएगा। ये सारी चीज़ें इसे आप क्या कर सकते हैं, अमूर्त चिंतन बच्चों में जागृत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 79 देख लेते हैं, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी क्रम में आपके क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं ऐसे क्रम में भी उठाएँ ताकि आपको ध्यान रहे कि 80 नंबर तक हमको क्या करना है, बाल विकास के क्वेश्चन या शैक्षणिक अभिरुचि क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिएगा, यदि एक अभिभावक अपने पालक के लिए परीक्षा अनुचित सहायता की मांग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। नम्रता और दृढ़ता से मना कर दें, प्रधानाचार्य से उनकी शिकायत कर दें, अभिभावक को वहाँ से बाहर जाने के कहे या अभिभावक की सहायता करें। एक अभिभावक क्या बोल रहे हैं अपने पालक के लिए या अपने बच्चों के लिए आएगा इसमें, परीक्षा में अनुचित सहायता की मांग रहे, मतलब नकल कराने की बात कर रहे हैं इसमें, ये पालक नहीं आएगा यहाँ पर बच्चा आएगा छात्र नहीं अपने, ठीक है। मतलब ये है कि आप जा रहे हो टीचर को बोल रहे हो कि सुनो ना मेरे बेटे को थोड़ा पास करवा देना, थोड़ा नकल करवा देना, ये करके आप बात करो, तो क्या करना चाहिए आप टीचर रहेंगे तो, ऐसा कोई आएगा आपके पास तो क्या करेंगे। तो आप अभिभावक को कहेंगे, ठीक है, नम्रता और दृढ़ता। मतलब देखिए इसमें बहुत दिक्कत वाली समस्या है, आप क्या लेंगे, देखिए इसमें व्यापक क्या आंसर लिया, ऑप्शन नंबर सी ले लिया है वो, और अभिभावक वहाँ से बाहर जाने के बोलेंगे नहीं आप बाहर जाइए, हम ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, सहायता करना तो आएगा नहीं, ऑप्शन काटने की कोशिश किया करें, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं हो, आपसे समझ आए तो आप मना कर दीजिए, ठीक है। और दृढ़ता और नम्रता से ये वाली बात भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आ सकता था अगर आप अपने दिमाग से लगाते ये पे, लेकिन व्यापक ऑप्शन बस सी को सही ले, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में उत्पादनशीलता पर बल दिया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, बच्चों को ज़्यादा उससे लाभ मिले, बेनिफिट मिले, इसको उत्पादन बोल रहे हैं ना। किंडरगार्टन में, मॉन्टेसरी पद्धति में, डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, तो किस में आपको बताना है। देखिए बेसिक शिक्षा कौन लाए थे, महात्मा गांधी जी, वो हस्तकला पे ज़्यादा फोकस किए थे, बच्चों को ऐसा ऐसा चीज़ें सिखाएं जो आगे भविष्य में उनका जो व्यवहार वो व्यवसाय करने में मदद करे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेसिक शिक्षा, ठीक है। तो हम लोग ने 30 क्वेश्चन किए, ठीक है, इससे हम लोग ने ये हमारा उद्देश्य ये था इन क्वेश्चनों को करने का, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे सोचना रहता है। अभी हम मेरे साथ आप सोचते गए होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन के 30 बार आप सोचे होंगे कि आंसर ये आएगा, लेकिन मैं कुछ और बता दिया या वही सही हो गया तो आपको पता चलते गया होगा, ठीक है। तो लगातार क्लासेस आएगी अभी आपको, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा बीएड के इंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपके पूरे कॉलेज में जाने तक, आपके पूरे टीचर में सेलेक्ट होने तक ये चैनल आपका काम आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी दोस्त होंगे टीचर भर्ती वाले या आपके बीएड प्रवेश परीक्षा वाले, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।